अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे हमारा अगला टॉपिक विच इज मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम नियोनेटोलॉजी में से। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं आपको सारे टॉपिक्स करा रही हूँ जो आपके ज्यादातर आया करते हैं, लेकिन आप फिर भी जो टॉपिक्स नियोनेटोलॉजी के रह जाए उनको रीड जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, मैं आपको बता दी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मेकोनियम क्या चीज है। फीटल लाइफ जो होती है यानी इंट्रायूटराइन लाइफ, उसमें फीटस यूरिन जरूर पास करता है लेकिन स्टूल पास नहीं करता, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा, उसकी गट में कुछ जा ही नहीं रहा। जाहिर कुछ खाएगा गट में जाएगा तो ही स्टूल पास करेगा ना। लेकिन हाँ, वो यूरिन इसलिए पास करते क्योंकि वो जाहिर है जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ही उसके अंदर जा रहा होता है, उसी को ड्रिंक करता है, उसी से यूरिन बनता है, वही यूरिन वो एमनियोटिक फ्लूइड में पास कर देता है, विच इज स्टीराइल। अच्छा, तो लेकिन आफ्टर बर्थ जो पहला स्टूल बच्चा पास करता है उसको मेकोनियम कहते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वो स्टूल में जो पहला बच्चा पास करता है स्टूल, उसमें बेसिकली खाना पीना नहीं होता, सिर्फ चार चीजें होती हैं जो इंट्रायूटराइन लाइफ में बच्चे की गट में एक्यूमुलेट हो रही थी थोड़ी थोड़ी। वो चार चीजें क्या है? एपिथीलियल सेल्स हैं, यही जो फीटल के शेड ऑफ एपिथीलियल सेल्स होंगे, बच्चे के अपने बाल फीटल हेयर होते हैं, बच्चे की बाइल होती है और म्यूकस होता है। ये चार चीजें मिलकर बच्चे की पहली स्टूल का कंपोनेंट बनाती है जिसको हम मेकोनियम कहते हैं। और ये आपका एमसीक्यू का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ मेकोनियम, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज पार्ट ऑफ मेकोनियम, और ऑस्पी का सवाल है व्हाट इज मेकोनियम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेकोनियम बच्चे को उसूलन बर्थ के बाद पास करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बिफोर बर्थ इंट्रायूटराइन लाइफ में बच्चा ये मेकोनियम पास कर देता है, ठीक है, अभी वो डिलीवर नहीं हुआ, इनसाइड द यूट्रस है यानी एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा हुआ है, वहां वो मेकोनियम पास करेगा। अब जाहिर है एमनियोटिक फ्लूइड में एक बच्चा पड़ा हुआ है उधर मेकोनियम पास करेगा तो मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है। ये साइन होता है पहली बात तो है कि फीटल डिस्ट्रेस का, फीटस को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी स्ट्रेस में होगा तो ही वो मेकोनियम पास करेगा इनसाइड द यूट्रस, अदरवाइज नहीं करता। तो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर आपको मेकोनियम नजर आता है तो इसका मतलब है कि फीटल डिस्ट्रेस का ये साइन है, और आपने अपने पास पहले से ही एक पीडियाट्रिशियन को बुला लेना होता है। जो गायनी के लोग हैं वो बताते हैं पीडियाट्रिशियन को कि आप हमारे पास मौजूद हों क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस हमें नजर आ रहा है, मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, तो कोई फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, तो आपने वहां मौजूद होना है। लाजमी तौर पर एक पीडियाट्रिशियन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उसने इंट्रायूटराइन लाइफ में मेकोनियम पास कर दिया तो जाहिर सी बात है कि बच्चा इंट्रायूटराइन लाइफ में उसका मुंह भी प्रेजेंट है वहीं पे, वो मेकोनियम को एस्पिरेट कर सकता है, मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड जब अपने अंदर लेके जाएगा तो वो उसके साथ मेकोनियम भी उसके अंदर चला जाएगा, और मेकोनियम जब अंदर जाएगा तो उसके लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स के अंदर मेकोनियम जाने का मतलब है कि एस्पिरेशन होगी, और एस्पिरेशन का मतलब यह है कि उसके अब लंग्स खराब हो सकते हैं, उनके अंदर निमोनिया और इस किस्म का कोई भी इन्फेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियली कम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेकोनियम अंदर जाकर कहां पर फंसा है। अगर वो लंग्स के बेजल एरिया में जाके मेकोनियम फंसा होगा, ये लंग्स है और इसके बेजल एरिया में, तो फिर तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चे को कोई थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा क्योंकि उसकी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन में कमी आ रही होगी। लेकिन अगर किसी बड़े एयर वे में मेकोनियम फंस गया तो फिर तो उसका आगे का सारा लंग कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल, अब ये ज्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम अर्ली इन इंट्रायूटराइन लाइफ में कभी भी पास नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो अर्ली इंट्रायूटराइन लाइफ है ना, पहली बात तो उसमें मेकोनियम बना ही नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। मतलब ये कि छठा महीना या सातवां महीना का बच्चा है उस पर इतना मेकोनियम बना ही नहीं होता कि वो पास करे। दूसरी बात ये, एक बात याद रखेंगे, जो बच्चे का एनल स्फिंक्टर है ना, एनल स्फिंक्टर को हाइपोक्सिया से रिस्पॉन्स घोषणा करना होता है, ठीक है। ज्यादातर ये जो बच्चे मेकोनियम पास करते हैं ना इंट्रायूटराइन लाइफ में, वो असल में ज्यादातर एस्फिक्सिया के रिजल्ट में करते हैं। एस्फिक्सिया की वजह से जाहिर है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, कुछ भी होता है, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिया होगा उनकी बॉडी के अंदर, और हाइपोक्सिया के रिजल्ट में वो स्ट्रेस में जाएंगे और वो मेकोनियम पास करेंगे। अब होता क्या है कि शुरू के टाइम में, मतलब जितनी जिस जिस तरह आपकी इंट्रायूटराइन लाइफ बढ़ रही होती है ना, आप ये समझ लें इंट्रायूटराइन लाइफ जिस तरह बढ़ रही होती है उतना ही हाइपोक्सिया का रिस्पांस एनल स्फिंक्टर पे ज्यादा हो रहा होता है। मतलब ये कि अगर एक बच्चा छठे महीने में, सिक्स मंथ्स में, सिक्स मंथ्स ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ में और उसको हाइपोक्सिया होता है तो उसका एनल स्फिंक्टर इतना रिस्पांस नहीं करेगा उस पर, ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा जो नाइन्थ मंथ में है, मतलब ये कि आप समझ लें कि नौ महीने का अभी उसका पहला हफ्ता चल रहा है, उसमें अगर बच्चे को एस्फिक्सिया होता है, हाइपोक्सिया होता है, तो उसका एनल स्फिंक्टर जरूर रिस्पॉन्स करेगा और वो रिलैक्स कर जाएगा। रिलैक्स जब करेगा एनल स्फिंक्टर तो मेकोनियम पास आउट हो जाएगा और उसके बाद वो एस्पिरेट होने का खतरा होता है। तो नॉर्मली ये बच्चा मेकोनियम पास कर रहा होता है ड्यूरिंग, जब जैसे ही वो लेबर से पहले वाला टाइम होता है ना, सॉरी डिलीवरी से पहले वाला टाइम, उस वक्त बच्चे को एस्फिक्सिया होता है। ज्यादा एस्फिक्सिया होगा, रिजल्टेंटली उसकी ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया होगा,
बच्चा मेकोनियम पास करेगा, उस टाइम वो डिलीवरी में जब उस मदर को पीछे से कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रही है, बच्चा वैसे ही जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, होता है ना जब डिलीवर होने वाला होता है तो बच्चे की रेस्पिरेशन थोड़ी सी गैस्पिंग सी होती है बाहर आने वाली, उस टाइम पे उसने एस्पिरेशन की, मजीद गैस्पिंग रेस्पिरेशन हुई और एस्पिरेट कर लिया और उसके लंग्स में ये प्रॉब्लम होगी, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो आपकी बात समझ में होपफुली आ गई होगी कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता किस तरह से। ज्यादा कॉमनली ये आपके जो कोई ना कोई बच्चे प्रॉब्लम वाले होते हैं ना, जैसे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के जो बच्चे हैं, या पोस्ट टर्म जो बच्चे होते हैं, पोस्ट मेच्योरिटी के बच्चे, या फिर मैटरनल डिजीज कोई भी होगी उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये कॉमन ज्यादा होते हैं कि हो जाए। ठीक है, आपका ये वाला मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब वही बात है कि जब बच्चे ने एस्पायर कर लिया और उसके बाद उसके लंग्स में चला गया, अब डिपेंड करते हैं कि लंग्स में वो कहां जाके फंसे उस हिसाब से रिस्पॉन्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर किसी बड़े एयरवे में फंस गया और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो आगे वाला लंग पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, एटीलेक्टेसिस, क्योंकि उसके अंदर जब बच्चा डिलीवर हो गया तो बच्चा पता है आपको रोता है तो उसके लंग्स एक्सपैंड करते हैं। अब यहां पर अगर पहले से मेकोनियम फंसा हुआ बच्चा रोएगा, यहां पर हवा नहीं जाएगी तो लंग्स कोलैप्स रह जाएगा, उसको कहते हैं हम एटीलेक्टेसिस हो जाना। अगर कुछ जगहों पर मेकोनियम, क्योंकि जाहिर है बड़ी एयरवे में नहीं फंसा, थोड़ी आगे आके फंसे, लेकिन कुछ जगहों में कंप्लीट फंसा है, कुछ जगहों में पार्शियल फंसा है, जहां कंप्लीट फंसेगा वहां पर एटीलेक्टेसिस होगा, जहां पर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहां क्या होगा कि एयर अंदर तो जाएगी लेकिन जब वापस आना होगा एयर ने तो रास्ता तंग हो जाएगा और वापस नहीं आएगी, अंदर ट्रैप होती जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग हो जाएगा। तो आपको अजीब सी पिक्चर नजर आएगी, कुछ जगहों पर आपको क्लैप्स नजर आएगा, कुछ जगहों पर आपको हाइपर इन्फ्लेटेड एरियाज नजर आएंगे। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल ही डिस्टल जाकर मेकोनियम सेटल हुआ है, मतलब बहुत ही थिन सा मेकोनियम था, डिस्टली सेटल हो गया, तो फिर बच्चा आपके पास प्रेजेंट जब करेगा तो उसको कोई इस वाला साइन नहीं होगा, एटीलेक्टेसिस या हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा, लेकिन उसको साइंस होंगे सारे जो निमोनिया के बच्चे के होते हैं, मतलब ये कि उसकी आपको नजर आ रही होंगी इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन नजर आ रही होंगी। वो वजह क्या होगी, मेकोनियम डिस्टल एयरवेज में सेटल है तो यहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा, बच्चा हाइपोक्सीमिया में है, उसकी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, वो आपको नजर आ रहा होगा कि उसकी रेस्पिरेशन बहुत तेज है, टैकीकार्डिया भी है, टैकीपनिया भी है, साथ वो आपको नजर आएगा कि सबकोस्टल और इंटरकोस्टल रिसेशंस और रिट्रैक्शंस हैं, उसके साथ आपको नजर आएगा बच्चे की नेजल फ्लेयरिंग है, मतलब वो सारे साइंस जो निमोनिया के बच्चे में नजर आते हैं ना वो आपको नजर आएंगे अगर डिस्टल एयरवेज में सेटल है। तो ये आपकी डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह से बच्चा आपके पास प्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताए कि जब यहां पर कुछ आकर फंस जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ठीक से नहीं एक्सचेंज हो पा रही तो जाहिर है यहाँ पर जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब आपको जब मैं सीवीएस पढ़ाऊंगी अभी बच्चों का तो आपको पता चलेगा कि बच्चों में हार्ट में शंट्स बने हुए होते हैं जो कि बंद होने होते हैं बाद में, और अगर वो बंद नहीं होते और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नॉर्मली तो आपको पता है सपोज ये करते हैं कि हार्ट के अंदर ना एक रास्ता है ये वाले चले फोरमेन ऑफ वेल में होना ये चाहिए कि जहां पर सर्कुलेशन किसी भी सुराख में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड जाता है। आपको पता है, हम सबको पता है कि नॉर्मली हमारा जो लेफ्ट साइड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाली हार्ट की, वहां पर प्रेशर ज्यादा होते हैं, और जो राइट साइड है पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली वहां प्रेशर कम होता है। ठीक है, इस वजह से अगर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के दरम्यान में कोई सुराख रह भी जाता है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड को शिफ्ट करेगा, यानी लेफ्ट टू राइट करेगा। लेफ्ट टू राइट अगर ब्लड शिफ्ट हो भी जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर अगर दोबारा आ जाएगा तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब अगर हमारे पास क्या होता है कि इस सिलसिले में पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो इसका मतलब यह कि पल्मोनरी साइड पे भी यानी राइट साइड पे भी प्रेशर बढ़ेगा, राइट साइड पे प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो सिस्टेमिक से ज्यादा हो जाएगा और ब्लड अब शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट पे। राइट से लेफ्ट पे ब्लड शिफ्ट होना बड़ा नुकसान होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जब लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बड़ा बच्चा मजीद हाइपोक्सिया में चला जाता है, साइनोसिस हो जाता है उसे। ठीक है, ये बात मैं दोबारा से सीवीएस में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि क्या हो रहा होता है हार्ट के लेवल पे सिलसिला। तो बहरहाल ये सारी प्रॉब्लम्स इससे डेवलप हो सकती है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम से। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करता है, आता है कि घर में बच्चा डिलीवर हुआ था जी और बड़ा मुश्किल से डिलीवर हुआ था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी, उसके बाद इसने फौरन रोया भी नहीं है और मुंह से बड़ा अजीबो गरीब किस्म का कुछ हरा और काले से रंग की चीज निकली है और अभी ये हमें बहुत लेथार्जिक सा लग रहा है, बिल्कुल हाइपोटोनिया है, और आपके पास प्रेजेंट यही करता है, अभी कहते हैं कि 3 घंटे पहले पैदा हुआ है बच्चा। ठीक है, अब इस बच्चे को क्या हुआ, जो ग्रीन था उसके आपने चेस्ट एक्सरे कराया, आपको एक्सरे में भी डिफ्यूज इस तरह से सारा का सारा पैची इन्फिल्ट्रेट्स मिल गए, तो असल में हुआ क्या था कि बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया था और उसके बाद वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी, लेबर के टाइम पे उसने जाहिर है ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने जोर जोर से गैस्पिंग रेस्पिरेशन की होगी
उसने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया होगा, एस्पिरेट किया होगा मेकोनियम, तो डेफिनेटली उसके बाद उसके डिस्टल एयरवेज में सेटल हो गया और पैची इन्फिल्ट्रेट्स बन गए। तो ये सारी कहानी होती है। अच्छा, फिर आपने इसमें क्लिनिकल फीचर्स में और क्या हो रहा होता है कि बच्चे से आप पूछते हैं कि क्या वो फौरन रोया था या नहीं रोया था, कितनी देर बाद रोया था। फिर आप मटर्नल रिस्क फैक्टर्स को पूछते हैं, कोई भी बच्चा जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का होगा, लार्ज फॉर या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होगा, फिर उसके अलावा माँ की हालात, मटर्नल डायबिटीज, मटर्नल हाइपरटेंशन, मटर्नल इन्फेक्शंस, मटर्नल हाइपोक्सिया, ठीक है, क्योंकि एनी रीजन अगर माँ को ही ऑक्सीजन कम मिल रही है तो जहर बच्चे को भी कम मिलेगी। उसके अलावा मटर्नल हैवी स्मोकिंग या मटर्नल रेस्पिरेटरी एंड सीवियस डिजीजेस, ये सारी चीजें जो बच्चे को रिस्क पे डाल देती हैं इन मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए, आप सारे देख लेते हैं, उससे सिम्टम्स पूछ लेते हैं, साइंस देखते हैं पोस्ट मेच्योरिटी के हैं कि नहीं है, और मेकोनियम किस तरह का होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर थिन सा मेकोनियम है और डिस्टल एयरवेज में सेटल है तो वो आपकी इमरजेंसी नहीं कॉज करता, वो निमोनिया जैसे सिम्टम्स करते हैं, मतलब इमरजेंसी होती है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि फौरन मर जाएगा। लेकिन जो आपका थिक मेकोनियम होता है, पी सूप की तरह का, यानी मटरों के सूप की तरह का जो थिक सा मेकोनियम होता है, वो जाके फंस जाता है बड़े एयरवेज में, और अगर बड़ा एयरवे डैमेज है इसका मतलब बच्चा फौरन मर सकता है, वो बहुत ज्यादा सिवियर इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि वो कहां पर है। तो मैंने उसके साइंस सिम्टम्स भी आपको बता दिए कि बड़ा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो बच्चा आपके पास प्रेजेंट करेगा विद पूरा नीला पड़ा होगा, जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा, जिस तरह एक बंदे का आप गला दबा देना तो उसके साइंस आते हैं, चोकिंग, साइनोसिस हो जाती है, वैसे साइंस आएंगे। ठीक है, और जो डिस्टल वाला होगा वो निमोनिया के साइंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ। डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेकोनियम कहाँ फंसा हुआ है, और आर्टीरियल ब्लड गैसेज में आपको ऑक्सीजन का लेवल डेफिनेटली कम मिलेगा। मैनेजमेंट में किस तरह से करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर तो बच्चे का हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, विच इज नॉर्मल, एक नियोनेट का हार्ट रेट 100 से ज्यादा होता है, और बच्चे की मसल टोन अच्छी है, वो खुद विग्रस एक्टिविटी में है, अलर्ट है, आपको नजर ठीक आ रहा है, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिस तरह एक नॉर्मल अलर्ट बच्चा होता है, तो फिर आपने बिल्कुल भी उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन डाल के अंदर से एस्पिरेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस केस में ये होता है कि अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत मेकोनियम एस्पिरेट किया भी है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाता है, मतलब इट डजेंट कॉज एनी प्रॉब्लम। अगर आपको बच्चे का हार्ट रेट ठीक नजर आ रहा है, गुड मसल टोन है, विग्रेस एक्टिविटी है, तो नो नीड टू पास एंडोट्रेकियल ट्यूब इन दैट वे भी। जस्ट आपने ये करना है कि उसके मुंह से और नोज से सक्शनिंग कर लेनी है कि अगर माउथ में या नाक में कोई पड़ा हुआ है तो वो एस्पिरेट आप करनी है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अगर एक बच्चा आपके पास प्रेजेंट की, जैसे भी मैंने आपको सिनेरियो बताया, जो कि हार्ट रेट जिसका 100 से कम है, मसल टोन बहुत डिक्रीज हुई हुई है, ये इसका मतलब है कि बच्चे को प्रॉब्लम कोई ना कोई चल रही है, और साथ उसको आपको नजर आ रहा है कोई ना कोई साइंस है, मतलब साइनोसिस है या उसकी नेजल फ्लेयरिंग है, सबक्यूटेनियस रिट्रैक्शंस है, मतलब ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि फौरन बच्चे को पहले तो आपने वो एम्बू बैग लगाने, मुंह पे मास्क लगाएंगे और उसे ऑक्सीजन पंप देना शुरू करेंगे। अब आप बताए एम्बू बैग से ऑक्सीजन देते हैं ना, तो बच्चे का चेस्ट राइज करना चाहिए, जिस तरह एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में राइज करता है, अगर उसका चेस्ट राइज नहीं कर रहा इसका मतलब है रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और डेफिनेटली जो कि थिक मेकोनियम जिनने एस्पिरेट किया होता है उनका चेस्ट राइज नहीं करता या फिर एसिमेट्रिकल राइज करता है, एक साइड का करेगा एक साइड का नहीं करेगा, फिर आपने ये काम करने के फौरी तौर पे आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करने के बाद आपने ट्रेकिया से सक्शनिंग करनी होती है सारे एस्पिरेट जो भी होता है उसकी मेकोनियम की, और साथ आपने बच्चे को ऑक्सीजन भी देते रहना होता है, ये होता है तरीका इसमें। अब आपने एक बात याद रखनी होती है कि जब भी मेकोनियम एस्पिरेशन होती है ना तो बच्चे का अपना सर्फेक्टेंट डैमेज होता है, तो आपने बाहर से एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट जरूर देना है बच्चे को ताकि उसका वो मसला भी हल हो जाए, और जो बच्चे को पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है ऐसे वाले बच्चे में जो हुई भी होगी उसको ट्रीट करने के लिए आप सिलडेनाफिल देते हैं, ये बेसिकली पल्मोनरी वेसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, और हाइपरटेंशन को डेवलप होने से रोकता है और हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस बनने से रोकता है। एंटीबायोटिक्स आप इसलिए देते हैं कि जो बच्चे आपके पास मेकोनियम एस्पिरेशन के बाद निमोनिया से प्रेजेंट करते हैं उसमें आप ये डिफ्रेंशिएटिंग कर सकते हैं कि ये निमोनिया उसको बैक्टीरियल हुआ या मेकोनियम की वजह से हुआ है। ठीक है, सपोज बच्चा दूसरे या तीसरे दिन पे प्रेजेंट किया है तो हमें नहीं पता कि वो मेकोनियम से हुआ या उससे बैक्टीरिया से हुआ, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं लाजमी साथ। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है, यहाँ पर बात करते हुए किसी कोई मसला। थैंक यू।